इस कहानी के लेखक हैं संजय कामले। अपना सामान भरी बैग को संभालते हुए रागिनी गर्ल्स गेस्ट हाउस के वार्ड में चलती हुई हर एक कमरे पर लिखे नंबर देखते हुए आगे बढ़ रही थी। चलते चलते उसकी नजर एक कमरे के दरवाजे पर लिखे नंबर पर गई, 08। दरवाजे पर लगी कुंडी सरकाकर वो कमरे के भीतर दाखिल हुई। कमरे की हालत देखकर लग रहा था कि काफी दिनों से उसकी सफाई नहीं की गई। कोने में एक पुरानी लकड़ी की अलमारी रखी थी जिसमें कुछ किताबें रखी थी। उसकी बगल में एक सिंगल बेड और पासी में एक टेबल था जिस पर एक टेबल लैंप रखा था। अपना सामान एक जगह पर रख कर वो कमरों की देखभाल करने वाली कर्मचारी को तलाशने लगी। तभी उसकी नजर नोटिस बोर्ड पर लिखी सूचनाओं पर गई। आप CCTV की देखरेख में है, कमरे की सफाई खुद करनी होगी। रात 1 बजे के बाद मेन गेट बंद किया जाएगा। शोर मचाना, झगड़ा करना, ऊंची आवाज में बोलना, गाने सुनना आपको गेस्ट हाउस से निकालने के लिए काफी है। जो भी शिकायत करनी है वो लिखित रूप में देनी होगी। रागिनी सारी जानकारी पढ़कर निराश हो गई क्योंकि अब सारी सफाई उसे खुद करनी थी। रात होते होते उसने पूरा कमरा साफ कर दिया। तभी उसे कमरे के बाहर से कुछ फुसफुसाहट सुनाई दी। अपने खोले बाल पीछे बांधते हुए वो दरवाजे के पास आई और धीरे से दरवाजा खोलते हुए दरवाजे से बाहर झांक कर देखने लगे। दो और लड़कियां उसी बोर्ड के सामने खड़ी सूचनाओं को पढ़ रही थी। रागिनी का मन किया कि उनसे बात करे कि तभी एक औरत वार्ड से चलती हुई उसके पास से गुजरते हुए बोली, काफी देर हो गई है, अपने कमरे में जाओ। उसे देखकर रागिनी ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया। कॉलेज शुरू होने में अभी 3-4 दिन बाकी थे, इसलिए कौन सी किताब पढ़े या कौन सा स्टडी करे ये सोच ही रही थी कि तभी दीवार से सटी अलमारी पर उसकी नजर गई। कुछ किताबें उसमें रखी हुई थी, बीच में एक डायरी भी रखी हुई थी। उस डायरी के कुछ पन्ने पलटकर पढ़ने लगी थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक सुनाई दी। शायद कोई दरवाजा खटखटा रहा था। उसने डायरी टेबल पर रखी और दरवाजे की ओर चलने लगी। करीब 10 बजने को है, इतनी रात कौन होगा। कुछ सेकंड वो दरवाजे के पास खड़ी रही और फिर दरवाजा खोला, पर बाहर कोई नहीं था। लगता है कोई शरारत कर रहा है। वो दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी उसकी नजर सामने वाले गलियारे पर गई। दोनों तरफ कमरे और ठीक सामने एक और कमरा जिसका दरवाजा शायद थोड़ा खोला हुआ था। रागिनी चुपचाप अपने नजरे उस कमरे के दरवाजे पर गड़ाई खड़ी थी। समझ में नहीं आ रहा था कि उस कमरे में कोई है या वो दरवाजा गलती से खुला रह गया है। तभी एक लड़की उसके सामने से चलती हुई उसी कमरे के भीतर चली गई। रागिनी उसी को देख रही थी। वो लड़की दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि रागिनी पर उसकी नजर गई। रागिनी हल्के से मुस्कुराई, पर वो अजीब नजरों से रागिनी की ओर देख रही थी। रागिनी को समझ नहीं आ रहा था। रागिनी ने दोबारा मुस्कुराते हुए हाथ दिखाया और कहा, हाय, मेरा नाम रागिनी है और तुम्हारा। पर सामने वाली उस लड़की ने बगैर कोई प्रतिक्रिया दिए झट से दरवाजा बंद कर लिया। उसकी ऐसी हरकत से रागिनी को थोड़ा बुरा लगा। अपना दरवाजा बंद करते हुए रागिनी अंदर गई। कैसी घमंडी लड़की है। दिन भर की भाग दौड़ से पूरा शरीर थक गया था। थकान दूर करने के लिए बाथरूम में जाकर वो नहाने लगी। शावर का पानी अपने चेहरे पर लेते हुए आंखें बंद कर ली। काफी शांत लग रहा था। आवाज थी तो केवल चेहरे पर गिरती पानी की ठंडी बूंदों की, पर वो शांति कुछ ही देर में खत्म हो गई। उसे किसी की आहट महसूस होने लगी, आहट या आवाज जो उसके कमरे के बाहर से आ रही थी। हाथ आगे बढ़ाकर उसने धीरे से शावर बंद किया और अपनी सांसें रोक कर उस आवाज को सुनने की कोशिश करने लगी, किसी की फुसफुसाहट की आवाज, जैसे कोई धीमी आवाज में बात कर रहा हो ऐसी आवाज। शरीर में टावल लपेटते हुए उसने बाथरूम का दरवाजा खोला और दबे कदमों से बाथरूम से बाहर निकलने लगी। एक जगह पर खड़ी वो पूरे कमरे को अच्छे से देखने लगी। कभी दाएं कोने में, कभी बाएं तरफ कुछ भी नहीं था। तभी उसकी नजर बेड पर गई। उसके दिल में अजीब सा डर घर करने लगा। क्या कोई बेड के नीचे छुपा है। दबे कदमों से बेड के पास पहुंच गई और अपने घुटनों के बल बैठकर एक हाथ बेड पर रख दिया। बेड से नीचे लहराने वाली बेडशीट को धीरे से हटाते हुए
वो बेड के नीचे झांकने लगी। बेड के नीचे हर कोना अच्छे से दिखा। तभी उसे लकड़ी का छोटा स्टूल पड़ा दिखाई दिया, पर उसके अलावा बेड के नीचे कुछ भी नहीं था। कमरे के भीतर फैले गहरे सन्नाटे के बावजूद रह कर किसी की आहट उसे लगातार महसूस हो रही थी। दीवार पर टंगी घड़ी में देखा तो 11:25 हो चुके थे, पर उसे नजरअंदाज करते हुए उसने अपनी अलमारी खोली और नाइट गाउन निकाल कर पहन लिया और अपना सामान अलमारी में रखने लगी कि तभी दोबारा उसे वही आहट महसूस होने लगी। अब उसे भी डर लगने लगा। उसने दरवाजे की ओर देखा, शायद कोई दरवाजे के करीब दूसरी तरफ मौजूद था, क्योंकि उसकी आहट रागनी महसूस कर रही थी। पर अब उसमें बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी कि दरवाजा खोलकर देखे। डरी सहमी से कुछ देर वो वैसे ही अपने बेड पर बैठी रही। सामने वाले दरवाजे पर नजरें गड़ाए बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। कुछ ही देर में सब कुछ दोबारा शांत हो गया, पर अब उसे उस कमरे में घुटन सी होने लगी। लग रहा था जैसे कोई उस पर नजर रख रहा है, पर कोई चारा नहीं था। रात के करीब 2:25 हो रहे थे। बेड पर लेटी जरूर थी, पर उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी, इसलिए खिड़की से देखने वाले खुले आसमान में चमकते सितारों को निहारने लगी। तभी उसे याद आया कि अलमारी में कई सारी किताबें भी है। अलमारी में रखी किताबें टटोलने लगी। तभी उसकी नजर किताबों के बीच रखी एक डायरी पर गई। डायरी को धीरे से उठाते हुए वो अपने बेड पर बैठ गई। डायरी को गौर से देखकर सोच में पड़ गई। किसकी होगी ये डायरी? शायद इससे पहले जो लड़की इस कमरे में रह रही थी, वो जाने से पहले यहाँ भूल गई होगी। वो एक एक पन्ना पलटने लगी। डायरी में लिखे शब्दों से लग रहा था कि वो पढ़ाई पर बिल्कुल ध्यान नहीं दे पा रही थी। वह मानसिक तौर पर काफी डिस्टर्ब हो चुकी थी। घर वालों की अपेक्षाओं का बोझ उसके दिलो दिमाग को दबाया जा रहा था। पढ़ते पढ़ते उसे थोड़ी गर्मी लगने लगी, इसलिए बेड के पास वाली खिड़की खोलने की कोशिश करने लगी, पर खिड़की जाम हो गई थी। एक दो बार जोर से हाथ मारा, कोई फायदा नहीं हुआ। तभी उसकी नजर छत पर लगे सीलिंग फैन पर गई। हाथ बढ़ाकर उसने सीलिंग फैन का बटन शुरू किया, पर काफी दिनों से बंद होने की वजह से घूमते वक्त थोड़ा आवाज करने लगा। लग रहा था कि किसी भारी चीज के लटके होने से फैन भी धीरे धीरे घूम रहा। वह बेड पर आराम से लेट गई, पर नींद की वजह से भारी होती आंखें डायरी में लिखे अक्षरों के ऊपर तैरने लगी। उसकी पलक झपकी ही थी कि तभी उसे दोबारा वही आहट महसूस होने लगी, जैसे कोई दरवाजे के बाहर वाले गलियारे में दबे कदमों से चल रहा हो और उसके कमरे के बाहर आकर रुक गया। अब रागिनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। आंखों पर गहराती नींद एकदम से गायब हो गई। सीलिंग फैन की आवाज में भी वो अजीब सी आहट उसे लगातार महसूस हो रही थी। बिना ज्यादा हिले उसने हाथ आगे करके फैन का बटन बंद कर दिया, ताकि पता चल सके कि दरवाजे के उस पार सच में किसी की मौजूदगी है या ये बस उसका वहम है। पर कुछ ही देर में वो आहट भी बंद हो गई। बेड पर लेटे हुए उसने फैसला किया कि सुबह होते ही सारी बातें गेस्ट हाउस की मालकिन को बताएगी। पर कुछ सोचते हुए वह अपने आप से बुदबुदाने लगी। गेस्ट हाउस के नियम अनुसार मुझे अपनी शिकायतों को लिखित रूप में देना होगा। लिखित रूप में मतलब शिकायत के नीचे मेरे हस्ताक्षर भी करने होंगे। अगर मैं यहाँ भूत प्रेत की मौजूदगी की शिकायत लिखित रूप में करती हूँ और गलती से वो लेटर किसी और लड़की के हाथ लग गया, तो पूरे गेस्ट हाउस में, साथ ही कॉलेज में भी मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। सोच सोच कर दिमाग दर्द करने लगा। उसने आंखें बंद की और सोने की कोशिश करने लगी। कमरे के भीतर हल्की धुंधली रोशनी फैली हुई थी। एक लड़की बेड पर रखे छोटे स्टूल पर खड़ी फूट फूट कर रो रही थी। अपने ओढ़नी को सीलिंग फैन को कसकर बांधा और दूसरे सिरे को अपने गले में बांधते हुए बोलने लगी, मेरा दिमाग फट रहा है। पढ़ाई का बोझ और घर वालों की अपेक्षाएं मैं पूरी नहीं कर सकती। पापा मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। और अपने पैरों के नीचे वाले स्टूल को उसने झट से गिरा दिया। कुछ देर तक पैरों की झनझनाहट के साथ सीलिंग फैन की कर्र कर्र जैसी आवाज भी कमरे में गूंजने लगी। और तभी रागिनी झट से उठकर बैठ गई। वह सपना देख रही थी, पर सुबह हो चुकी थी। पास वाली खिड़की से बाहर देखा तो आसमान हल्के केशरी रंग से भरने लगा।
अपने बालों को ऊपर बांधते हुए वह कमरे से बाहर निकली और गेस्ट हाउस की मालकिन के कमरे की ओर चलने लगी। रात वाली घटनाओं से काफी परेशान होने के कारण वह मालकिन से शिकायत करने का मन बना चुकी थी। पहले बात करके देखती हूँ, लिखित में मांगेंगी तो बाद में देखेंगे। मालकिन के कमरे का दरवाजा खुला ही था, वह चुपचाप अंदर चली गई। खुशकिस्मती से अंदर पहले ही कुछ लड़कियां मौजूद थी, वो भी उनके पीछे जाकर खड़ी हो गई। एक अधेड़ उम्र की महिला सोफे के ऊपर बैठी चाय पी रही थी, तभी एक लड़की ने कहा, आंटी जी कल रात हमें काफी देर तक एक अजीब सी आहट महसूस हो रही थी, अजीब सी आवाजें आ रही थी। रागिनी भी पीछे खड़ी सब कुछ चुपचाप सुन रही थी। तभी मालकिन ने चाय का खाली कप सामने वाली टेबल पर रख दिया और बोली, चलो मुझे दिखाओ कहां आपको ये महसूस हो रहा था। गेस्ट हाउस की मालकिन उठकर बाहर आ गई, सभी लड़कियों को लेकर कमरों के गलियारे में आ गई। तभी सामने वाले कमरे के आधे खुले दरवाजे से एक लड़की झांक कर देखने लगी, जैसे उसे सब कुछ पता था, इसलिए वो सब कुछ चुपचाप देखे जा रही थी। गेस्ट हाउस की मालकिन ने उसकी तरफ देखकर अनदेखा किया। वार्ड में चलते चलते वो एकदम से रुक गई, सभी लड़कियों की ओर देखते हुए कहा, जो आपने महसूस किया वो सच है, पढ़ाई के टेंशन से एक लड़की ने सीलिंग फैन से लटक कर आत्महत्या कर ली थी, तब से यहाँ ये सब महसूस हो रहा है, पर उसने आज तक किसी को नुकसान नहीं पहुँचाया। कॉलेज शुरू होते ही यहाँ आने वाली नई लड़कियों को ये अजीब लगता है, पर हमारे लिए ये सब आम है। बस उसे पसंद नहीं कि कोई उसके कमरे के बाहर टहलता रहे। जिस कमरे में उसने खुदकुशी की थी उस कमरे को बड़ा सा ताला लगाकर बंद कर दिया गया है, इसीलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगी। तभी एक लड़की ने पूछा, उस लड़की का नाम क्या था। चलते चलते वो एकदम से रुक गई, पीछे मुड़कर देखते हुए उसने मुस्कुराते हुए कहा, नाम था नहीं, नाम है, मतलब आज भी वो हमारे साथ रहती है। मैडम चली गई और सामने वाले कमरे से झांकने वाली लड़की ने बाहर आकर उन लड़कियों से पूछा, मुझे पता है तुम लोग मैडम से क्या शिकायत करने गई थी, पर ये मेरे लिए आम हो गया है। 2 साल से मैं यहाँ हूँ, इस कमरे से कभी बाथरूम के शावर की आवाज आती है, कभी खिड़की का दरवाजा खटखटाने की आवाज आती है, और कभी सीलिंग फैन शुरू होने की आवाज आती है। वो आज भी इस कमरे में रहती है, पर कभी किसी को नुकसान नहीं पहुँचाती। बस उसे सिर्फ एक चीज पसंद नहीं। वो क्या, एक लड़की ने पूछा। उसने धीरे से उस लड़की के कान में बताया और चली गई। बाकी लड़कियां भी उसे पूछते हुए उसके कमरे में चली गई। उन सब की तरफ देखते हुए रागिनी ने कहा, बस कोई मेरे कमरे के दरवाजे के बाहर खड़ा होकर ताका झांकी करे, ये पसंद नहीं। इतना कहकर रागिनी उस ताला लगाकर बंद किए गए 8 नंबर कमरे वाले दरवाजे से आर पार चली गई।